बोकारो में इस्पात संयंत्र में अनियमितता को लेकर बोकारो विधायक बेरंची नारायण दोराकर ने संयंत्र में प्रवेश के लिए अपने सहयोगियों के साथ अंदर जाना चाह रहे थे, पर बीएसएल के अधिकारी ने पास बनाने से इनकार कर दिया। बीएसएल के अधिकारी का कहना था, आप अकेले जाएं, सहयोगियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। तब विधायक ने विरोध प्रकट करते हुए संयंत्र के मेन गेट पर बैठकर धरना दिया। विधायक ने कहा कि संयंत्र के अंदर घोर अनियमितता है, जिसे प्रबंधन नजरअंदाज कर रहा है और प्रतिदिन संयंत्र में मजदूरों की मौत हो रही है। विधायक ने कहा कि बोकारो जनरल अस्पताल भी आज अपनी दुर्दशा पर रोना रो रहा है। इन सब की शिकायत हम इस्पात मंत्री से मिलकर करेंगे। नारायण ने कहा कि आज प्रबंधन के झूठे और खोखले वादे के कारण अप्रेंटिस पास छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बावजूद प्रबंधन मौन धारण की स्थिति में है। ये मजाक नहीं तो क्या है।